मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये गधे घोड़े को, गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे, मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं, 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है, और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे, उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि 4 साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो, और ये जो अंतिम परीक्षा है जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है, 6 महीने में जो पढ़ाया जाना था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको, उसको कह रहे हो हम तो जिद पड़े हुए हैं कि परीक्षा लेंगे हम आपकी, किस चीज की परीक्षा लोगे? नहीं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां सवाल ये पूछा कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी है दिल्ली ने या महाराष्ट्र ने, तो वो ओवर रूल करेगी क्या यूजीसी के डायरेक्टिव्स, उनके गाइडलाइंस को? अब उसके लिए हलफनामा देने के लिए और वक्त मिल गया, मतलब कानूनी लड़ाई में आप पिसे रहे, आपस में बैठकर बात नहीं कर सकते आप लोग? मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए, भाई ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे, तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है या उनके